मैं अभी मौजूद हूँ दरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आयर कोठा बाजार पर। आप देख सकते हैं ये डेहरी और नसरगंज को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और ठीक बगल में आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला की मार है। आप देख सकते हैं अब मैं सुबह से ही हमने देखा कि महिला बीमार है, लेकिन किसी ने सोचा कि शायद ये महिला सोई हुई है। काफी दिनों से जो महिला जो है ये बीमार थी और इस बाजार पर काफी दिनों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोग खाना देते थे और इस बाजार पर कई महीनों से यहाँ पर रहती है, परंतु आज बीमारी के कारण सुबह से गिरी हुई है और कई लोगों ने देखा है। लोगों ने बताया कि सुबह से ही इस स्थल पर ये बीमार है और आप देख सकते हैं कि ये गांधी आश्रम है। ये जो पूरा परिसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में दिखाऊंगा, दिखाइए ये पूरा गांधी आश्रम है। और एक आश्रम के तहत ये सरकारी जमीन जो है आश्रम की तरह आवंटन हुआ है। और गांधी जो आश्रम है आपको नाम से पता लग जाएगा कि यहाँ पर लोगों की सेवा होती है और सेवा के भावना से आश्रम होता है। लेकिन इसी आश्रम के सामने आप देख सकते हैं एक महिला बीमार है, सुबह से गिरी हुई है और इसको कोई समाधि करता है। इस पंचायत के कई लोग या कोई भी व्यक्ति अभी तक इस महिला को देखने वाला नहीं है। हालांकि हमने अभी अभी दरिया थाना अध्यक्ष को महोदय को फोन किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अभी तक अपनी गाड़ी नहीं भेजी है, न इसके अभी संज्ञान में लिया। आप देख सकते हैं कि महिला करवट ले रही है लेकिन फिर भी बोले की स्थिति में नहीं है। और कैसी है वो? ठीक है? बीमार है? ठीक नहीं है? इशारा कर रही है कि ठीक नहीं है, लेकिन एक मनोता आज फिर शर्मसार हुआ। मनोता शर्मसार इसलिए हुआ है कि हजारों लोग इधर से जाए गए हैं और हजारों लोग इधर से आए हुए हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इस महिला को दवा और इलाज करें। आखिर मनोता कहाँ है? ये जो गांधी आश्रम है बताया जाता है कि सब सरकार का जमीन है और पूर्व नोटिस भी है, और इसी गांधी आश्रम के सामने एक महिला बिछड़ पड़ जाती है। हाँ, ये गांधी जी की प्रतिमा और यहाँ देख सकते हैं किशोर सिंह, बाबू किशोर सिंह, जिन्होंने अपने हाथ कटवाया था अंग्रेजों से लड़ते हुए, और एक महात्मा गांधी का चबूतरा है और ठीक महात्मा गांधी के चबूतरा के सामने ये महिला छत्रछाया हो जाती है। तो किस काम का ये महात्मा गांधी की मूर्ति और ये किशोर सिंह का, जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाया था, और इसी प्रतिमा के सामने ये महिला बीमार पड़ी है, तो जवाबदेही किसकी है? समाज के कई लोग आए हुए हैं रिपोर्टिंग के देखने के लिए, लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा कि किसी मीडिया को बुला करके या किसी अस्पताल वाले डॉक्टर को बुला करके, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बुला करके इसका इलाज करवाए। दरिया थाना के प्रशासन पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि हम आएंगे आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। अब पूछते हैं ये महिला कब से बीमारी है, कहते क्या नाम है आपका? कब से महिला यहाँ पे है? ऐसे सोई हुई है बाहर में? हमने सुना कि काफी दिनों से इसका माइंड डिस्टर्ब है, इसी स्थान पर रहती है, यहीं पर रहती है 3 साल। लेकिन कोई उपद्रव करते नहीं करती? ना ना, शांति से। लेकिन कल से ये बीमार है? कोई सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच या जनप्रतिनिधि कोई आया? कोई नहीं आया। ऐसे ही पड़ी हुई है? ऐसे ही पड़ी हुई है। कोई मुखिया, सरपंच या सामाजिक कार्यकर्ता की नजर नहीं है, कारण की तो देख सकते हैं मुख्य सड़क किनारे है। अगर यही कोई चमकता हुआ सितारा होता, नाम नहीं बताएंगे, तो लाखों लोग आते, हजारों लोग आते, फोटो खिंचवाते, इसको छू छू करके कहते कि हमने इनको तो मदद किया है। लेकिन ये गरीब महिला देखिए, बुजुर्ग है बेचारी, इसी आयल कोठा के बाजार पर बेचारे गरीब लोग जो होते हैं, दुकानदार है, काफी दिनों से खाना देते हैं और उन्हीं के भोजन से ही जीवित है, और आज ये बीमार है। तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई संगठन अपने आप को इस बारे में नहीं समझ पाता है कि मैं इसका इलाज करा। और हमारे खबर के माध्यम से कोई व्यक्ति देख रहा हो या कोई माता जी को पहचान रहा हो तो कृपया देखिए, मैं कैमरा में इसको दिखाइए एक बार फिर से। हालांकि काफी दिनों से यहाँ पे रहती हैं, इनको कोई पहचान में नहीं आ पाता है। अब मैं कैमरा में इसको दिखाइए कि ये महिला अब काफी बीमार है और चलने की स्थिति में नहीं है। अगर परिजन इनको देख रहे पा रहे होंगे तो आप आइए, इनको ले जाइए और इनका इलाज कराइए। ये डेहरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मझियाओं पंचायत के आयर कोठा बाजार पर स्थित है। काफी दिनों से हमने सुना है कि यही आयर कोठा बाजार पर ही रहती है, लेकिन अभी इनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। पर एक बार फिर मनोता शर्मसार हुई है, लोगों को देखकर थोड़ा छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि इंसान को इंसान की मदद करता है, लेकिन यहाँ पर ये बातें सफल नहीं हो पा रही है। इंसान इंसान को देखकर यहाँ से गुजर जाते हैं और यही कुछ दूसरी बातें होती तो सब रुकता, अपना फोटो खिंचवाता और कहता कि हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने मदद किया है। इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? और इस महिला को देख करके आज के समय में इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा है, आप क्या सोचते हैं? और इस गांधी जी के प्रतिमा के सामने एक महिला पड़ी हुई है और लोगों की नजर नहीं है। देख सकते हैं कि फूल माला भी पड़ी हुई है गांधी जी के पर, लेकिन इस महिला में तन पर ढंग से कपड़ा नहीं है और बीमार है। इस खबर के माध्यम से मैं जानकारी चाहूंगा कि आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं, और जो समाज है, जो सामाजिक परिवेश में एक बीमार महिला घंटों से 24 घंटे से सड़क किनारे पड़ी हुई है और कोई सूद लेने वाले नहीं है, क्या सोचते हैं एक बार जरूर बताइएगा। और मैं एक बार फिर मीडिया के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच और
देवघर थाना के पुलिस से आग्रह करूंगा कि महिला को ले जाएं और इलाज करवाएं। और ये महिला काफी दिनों से ये आर कोठा बाजार पर है और आर कोठा के बाजार के दुकानदारों के ही देन है कि जीवित है। कोई भोजन इसका अपना कोई घर नहीं है, काफी दिनों से शांति जहाँ रहती है बैठी रहती है, लेकिन आज 24 घंटे से बीमार है और इलाज के लिए पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।